नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं खबरें, देखते रहे टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। यूपी के रहने वाले गुजरात कॉडर के 1988 बैच के आईएएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ने प्रशासन को सियासी गलियारे में सभी को चौंका दिया है। अचानक अरविंद के सरकारी नौकरी को छोड़ने के पीछे एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। यूपी में विधान परिषद चुनाव की घोषणा होते ही अरविंद शर्मा द्वारा वीआरएस लेना अनायास नहीं है। पार्टी के अंदरखाने के लोग अरविंद को यूपी में विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जता रहे हैं। अरविंद शर्मा को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए जाने की संभावना से भाजपा का अंदरूनी राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। हालांकि भाजपा से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी किसी जातीय गणित के लिहाज से किसी दलित नेता को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद देने की वकालत कर रहे हैं। बता दें कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील के रानीपुर विकासखंड अंतर्गत काजा खुर्द गांव के रहने वाले शिवमूर्ति राय व शांति देवी के बड़े बेटे अरविंद कुमार शर्मा का जन्म वर्ष 1962 में 11 अप्रैल को हुआ था। अरविंद शर्मा के पिता रोडवेज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और माता गृहिणी थी। तीन भाइयों में सबसे बड़े अरविंद बचपन से ही मेधावी थे। शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राइमरी विद्यालय से लेने के बाद उन्होंने डीएवी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने स्नातक के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। यहां से राजनीति शास्त्र में प्रस्नातक पाठ्यक्रम में टॉप किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी ली। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी शुरू की। सिविल सेवा में जाने का सपना देखने वाले अरविंद ने अध्यापन के साथ अध्ययन पर भी खूब मेहनत की। तीसरे प्रयास में वर्ष 1988 में अरविंद का चयन गुजरात कॉडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया। एसडीएम पद पर उनकी पहली तैनाती 1989 में हुई। वह वर्ष 1995 में मेहसाणा के कमिश्नर बने। अरविंद ने मेहनत और कर्मठता से अपनी अलग ही पहचान बनाई और वर्ष 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो जिन ईमानदार नेताओं को अपने कार्यालय में तैनात किया उनमें अरविंद शर्मा मुख्य थे। अरविंद को सचिव मुख्यमंत्री का पद मिला और वर्ष 2013 में उनको पदोन्नत कर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने तो अरविंद को भी अपने साथ प्रधानमंत्री कार्यालय लाना नहीं भूले। जून 2014 में केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव बना दिया गया। वर्तमान में अरविंद शर्मा लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात थे। नवंबर में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकल लगाई जा रही है। विधायकों की संख्या के आधार पर यूपी में मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में कुल 54 सदस्य हैं। इनमें 23 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर कुछ नए चेहरों की जिम्मेदारी दी जा सकती है जिनमें अरविंद शर्मा प्रमुख हैं। हालांकि अरविंद के यूपी की राजनीति में उतरने की बाबत कुछ भी कहने से भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 20 न्यूज। पदाधिकारी मीडिया के सभी मित्रगण और हमारे जिले और हमको जानने पहचानने वाले रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है और इसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसमें जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी ना हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होगी, उन पर मैं खड़ा करने का प्रयास करूँगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं, माननीय साहब का भी हम मजबूत करते रहेंगे।